हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के सप्ताह 2 का मॉक टेस्ट जो है अभ्यास टेस्ट पेपर है, इसका हम हल देखने वाले हैं, जिसमें हम भाग 2 का हल देख रहे हैं, जो कि कक्षा 8वीं का विषय गणित है। तो यहाँ पर हम इस विषय का पूरा हल देखेंगे जो कि गणित का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गणित का अभ्यास टेस्ट पेपर, जिसका पहला प्रश्न दिया गया है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के भाग पर पेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। यहाँ पर आपके 4 उत्तर भी दिए गए हैं, जिसमें से आपके लिए सही उत्तर को पिक करना है। तो उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने शेष हेतु है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला वाला, इसमें कोई भी भाग शेष नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जहाँ पर दिया गया है आकाश ने, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 3 किलोग्राम, ठीक है, और 3 किलोग्राम 50 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। तो आलू का वजन कितना है, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, 4 किलोग्राम 425 ग्राम। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम है, जो उसमें से हम घटा देंगे कितना, 3 किलोग्राम 50 और 2 किलोग्राम 75 ग्राम, इस प्रकार से घटाएंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएँ अधिकतम से निम्नतम की ओर क्रमबद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमबद्ध बतानी है हमारे लिए, जो कि उच्चतम से निम्नतम की ओर जा रही हैं। तो हम इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक जो आपका 3 है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर जो घटते क्रम में संख्या अधिकतम से न्यूनतम की ओर जा रही है, ठीक है। तो डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 4 का यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं, इसमें एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हमारे लिए बताना है। आपके लिए पहले हम ये प्रश्न पिक कर देते हैं, देखिए ये वाला प्रश्न है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए सही को चुनना है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर का जो सही है, ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 250 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए इसका उत्तर पिक करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 5 दिया गया है, जिसमें आपके लिए एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्वारी क्या है तैयार करता है, ठीक है, और क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए, ये वाला प्रश्न है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके प्रश्न क्रमांक 5वें का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, 8 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 128 किलोग्राम, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8 किलोग्राम, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें दिया है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए परिमाप निकालना है, तो परिमाप इसका हो जाएगा हमारा कितना, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, 440 वर्ग मीटर है और ये 22 मीटर हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा बी, मतलब ए नंबर का आ जाएगा, जिसमें हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, जो ए में आपका 20 मीटर दिया गया, ये उसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 में एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1050 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, तो इसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 में चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, ये हमारे लिए बताना है चित्र को देखकर। तो यहाँ पर हम चित्र को देखकर बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सामने चित्र है और उसके हिसाब से हमारे लिए यहाँ पर इसके अंतर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका चित्र था, यहाँ पर उसके विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इस वाले प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 नंबर का, 2 वर्ग सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, ठीक है, अंतर आ जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, जिसमें दिया है स्कूल के हॉल की लंबाई 45 तथा चौड़ाई 30 मीटर है, हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु हॉल के बीच में एक लंबा खंभा बनाया गया है, जिसके आधार पर एक वर्ग मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, यदि टाइल्स लगाने के बजाय 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने में कितना खर्चा आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है आपका बी नंबर का, जो इस
आंसर को हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर किसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है वो अपना 9,18,000, ठीक है, 18,000 रुपये। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, जिसमें पूछा गया है 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है, जिसकी प्रत्येक भुजा अनुदेश 1.5 सेंटीमीटर की हाशिया छोड़ा गया है, हाशिया का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डिफरेंस मतलब कि जो क्षेत्रफल आता है हाशिए का, वो होता है 22.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम यहाँ पर अंडर कर देते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखा, जो कि आपके भाग 2 कक्षा 10वीं के गणित विषय का था। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।